60s के डिकेड की वो फिल्म जो 12 हफ्ते तक रही फ्लॉप, लेकिन 15वें हफ्ते में मूवी ने दिखाया कमाल और बन गई तीसरी ब्लॉकबस्टर। बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र जी 1960 से लेकर 1980 के डिकेड तक सुपरस्टार रहे हैं। उनका स्टारडम कुछ ऐसा था कि उनकी फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाया करती थीं। भूल गया था कि आदमी हालात और कमजोरियों की मिट्टी से बना हुआ वो खिलौना है जिससे गलतियां होती रहती हैं। नोटों की सीढ़ी पर चढ़कर आकाश को छूने की कोशिश मत करना, वरना गिर जाओ। इतनी चोटें लगेंगी कि अगला जन्म लेने के बाद भी शरीर जख्मी। हमारी जेबों में भले ही दौलत की गर्मी ना हो, लेकिन हमारे खून में बहुत गर्मी है, बहुत जान है इसमें। तुम लोगों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हमारा खून जम नहीं गया। दिल में गंदगी लेकर पैदा होने वाला इंसान कभी अमर नहीं हो सकता। लगता है तुम्हें ढंग का सिखाने वाला नहीं मिला। मैं सिखाता हूँ। अक्सर देसी आंखों पर विदेशी चश्मा लगाने से दिमाग में चर्बी चढ़ जाती है, उसे उतार रहा हूँ। अब अपने बिना चश्मे की आंखों से देखो, तुमने मेरी साइकिल का हुलिया बिगाड़ दिया। हालांकि कई बार उनकी लाइफ में ऐसा भी दौर आया था जब उनकी भारी बजट में बनी फिल्मों को भी दर्शकों ने एक झटके में नकार दिया था। कुछ ऐसा ही सीन उनके साथ साल 1967 में आई उनकी एक फिल्म के साथ देखा गया था। हालांकि उस फिल्म ने अपने रिलीज के 15वें हफ्ते कुछ ऐसा रंग दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। नमस्कार, सिनेमाई किस्से में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक शानदार कहानियां। एक्टर जितेंद्र उन बॉलीवुड स्टार्स में हैं जिन्होंने लंबे समय तक स्टारडम देखा है। उनकी कई फिल्में सुपरहिट साबित हुईं, लेकिन कुछ फिल्मों से उनका कैरियर डगमगाने लगा था। कहा जाता है कि एक हिट पाने के लिए जितेंद्र जी ने अपने शुरुआती कैरियर में बहुत मेहनत की थी। तब कहीं जाकर साल 1967 में फर्ज जैसी फिल्म उनके हाथ लगी थी। फर्ज से जितेंद्र रातों रात स्टार बन गए। जो तुम्हें बचाने आया है, लेकिन अब तुम्हारा खुदा भी नहीं बचा सकता। ये फिल्म उनके लिए काफी खास थी। इस फिल्म का ये गाना मस्त बहारों का मैं आशिक उस समय काफी पसंद किया गया था। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं। इस फिल्म के रिलीज होते ही जितेंद्र जंपिंग जैक बन गए थे। इसके बाद हमजोली और कारवां जैसी फिल्में उन्होंने की और वो बन गए सुपरस्टार। जितेंद्र जी की फिल्म फर्ज को रवि कांत जी ने निर्देशित किया था। इस फिल्म को सुंदरलाल नाहटा जी ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में एक्ट्रेस बबीता जितेंद्र के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे। कहा जाता है कि फर्ज की रिलीज के शुरुआती दिनों को लेकर मेकर्स काफी निराश थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जितेंद्र की इस सुपरहिट फिल्म को 1 करोड़ रुपए में बनाया गया था और उन दिनों इस फिल्म ने अपना बजट निकाले जाने के बाद भी काफी मुनाफा कमाया था। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 5 करोड़। ये 1967 की तीसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। IMDb की रिपोर्ट को माने तो जितेंद्र जी ने कहा था कि इस फिल्म ने रिलीज के बाद लोगों को काफी निराश किया था।
इसके बॉक्स ऑफिस के शुरुआती 12 हफ्ते काफ़ी बुरे थे। ये निश्चित रूप से एक फ्लॉप फिल्म थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट कराने के लिए जितेंद्र जी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म को चलाने के लिए जितेंद्र जी ने काफ़ी कुछ किया था। 12 हफ्ते तक जब फिल्म नहीं चली तो जितेंद्र जी ने फिल्म के सभी टिकट खरीद कर इसे सिनेमाघरों में चलाने के लिए थिएटर मालिकों पर जोर डाला था। जितेंद्र जी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि थिएटर मालिक इस फिल्म को सिनेमाघरों से ना हटाएं। जितेंद्र जी को लगा कि अगर फिल्म 15 हफ्ते तक टिक गई तो इसका कलेक्शन धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। जितेंद्र जी का ये पैंतरा बिल्कुल सही साबित हुआ और धीरे धीरे ही सही फिल्म के कलेक्शन में काफ़ी बदलाव आया। फ्लॉप साबित हो चुकी ये फिल्म अचानक से चल पड़ी और इस तरह से दौड़ी कि ये 1967 की तीसरी ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे लाजवाब किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।